हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो, तंदुरुस्त हो। मैं धीराज दास, बेसिकली मैं एक लॉन्ग जंपर हूँ। मेरा ग्रुप गेम वॉलीबॉल है, जिसमें मैं नेशनल पार्टिसिपेट किया हूँ। इसके अलावा मैं फ़िलहाल SSB में जॉब कर रहा हूँ, और मेरा फ़िलहाल यहाँ पे फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं उन लड़कों के लिए फिजिकल वीडियो बनाता हूँ जो लोग भर्तियाँ देख रहा है, यानी इंटरव्यू दे रहा है, जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता है, और इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स की तैयारी करता है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करेंगे, यानी हम रनिंग का जो टाइमिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए तीन चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है एज ए स्पोर्ट्समैन। सबसे पहले डिसिप्लिन, नंबर दो प्रैक्टिस, और नंबर तीन डाइट। अगर ये तीनों चीज़ की कॉम्बिनेशन सही रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस, मैं गारंटी देता हूँ, 100% इम्प्रूव होगा। तो बात करते हैं इन तीन चीज़ के ऊपर कैसे और किस तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी आपको एज ए स्पोर्ट्समैन कुछ डिसिप्लिन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी जागना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम के ऊपर, अपनी कर्म के ऊपर सख्त होना पड़ेगा। यानी आपको 10 बजे ग्राउंड में जाना है तो 100% 10 बजे ही जाना है। तो सबसे मेन पॉइंट है आपको। दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सही से करना पड़ेगा तभी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। लेकिन क्या दोस्त, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं? जी नहीं। मुझे पता है आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। आप मेहनत भले ही इतना ही करते हो जितना कि एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर मेहनत करते हैं। आप हमेशा एक ही वर्कआउट को रोज़ दोहराते हो, लेकिन एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का प्लेयर वैसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए हर तरीके का सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, वैसे ही एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर काम करते यानी वर्कआउट करता है। आपको भी उसी तरीके से हर तरीके का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको स्पीड वर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको इंड्योरेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, आप हैंड स्विंग के ऊपर काम करने पड़ेगा, आपको जंपिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको स्पिन करना पड़ेगा, तभी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो घबराइए मत, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा हर तरीके का मंडे टू सैटरडे तक एक बढ़िया शेड्यूल, ऐसा शेड्यूल, ऐसा वर्कआउट जो कि एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर फॉलो करता है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा इस तरीके से मंडे टू सैटरडे तक एक बढ़िया वर्कआउट। इसलिए दोस्त, मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहे। और बता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट, डाइट। अगर आप पहला दो पॉइंट डिसिप्लिन और प्रैक्टिस सही करेंगे, फिर भी आपका अगर डाइट सही नहीं होगा तो दोस्त आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि आपको जो शरीर मांग रहा है प्रैक्टिस में, जो आपको विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है, वो अगर आप खाने की माध्यम से शरीर को नहीं देगा तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगा। तो दोस्त, मैं जो बता रहा हूँ उसमें फॉलो कीजिए। सबसे पहले रात को आप छाना, खिशमिश, मूँगफली या मूंग या अखरोट, कुछ भी जो मिले आप भिगा के रखना है, और सुबह फ्रेश होने से पहले उसका पानी ज़रूर पीना है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, तो उसको ज़रूर पीना है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट
वही चीज़ को खाना है जो भिगा के रखा था। इसके बाद घर में जो बनता है नॉर्मली रोटी चाय दूध ज़रूर पीना, हाँ प्लस उसके साथ एक कोई भी फ्रूट्स लेने के लिए मत भूलिएगा। इसके बाद ये सब खाने के बाद आपको एक मल्टी विटामिन ज़रूर लेना है। मल्टी विटामिन इसलिए लेना है जो कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से हम खाने से या हम जो खाने की खाना खाते हैं उससे हमारा पूरा नहीं हो पाता है। विटामिन्स कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरा नहीं होता है, इसलिए विटामिन्स एक ज़रूर लेना है। इसके बाद दोपहर को नॉर्मल खाना आपका जो घर में बनता है वही खाना है, लेकिन दोस्त एक याद रखना, आप तेल कम खाने के लिए कोशिश करना है। दाल सब्जी चावल रोटी मीट मछली कुछ भी दोपहर को जो बनता है वही खाना है। इसके बाद शाम को जैसे ही आपको प्रैक्टिस में जाएंगे, प्रैक्टिस जाने से 45 मिनट पहले आपको एक ग्लास दूध ज़रूर पीना। अगर दूध ना मिले कॉफ़ी या चाय मिले तो वो भी पी सकते हो आप। प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल रेस्ट करिए आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद एक अगर मिठाई मिल जाए या कोई भी आइटम जलेबी मिल जाए तो उसे खाना है, या टॉफी जिसे हम चॉकलेट बोलता है वो मिल जाए तो ज़रूर खाना है। और रात को आपको नॉर्मल खाना जिसे खाना बनते हैं घर में उसी को खाना है, रोटी चावल सब्जी, हाँ उसके साथ सलाद खाने के लिए मत भूलिएगा। और साथ में आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, इतना आप डाइट ज़रूर मेंटेन कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरीके का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद, जय अहम।